गाइज अभी अभी मैंने एक मूवी देखी यार। सच में बता रहा हूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। एक्चुअली इस मूवी को मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ भाई। सीतारमम भाई, ये मूवी तेलुगु की मतलब इतनी ज्यादा स्टोरी। आपने तो प्यार मोहब्बत की बहुत सारी मूवीज देखी होगी यार, मतलब बॉलीवुड बोल लो या बहुत सारी वुड में आपने ये मूवी देखी होगी। मतलब इस प्यार की हर में क्या रहता है पता है, कि प्यार होता है, ब्रेकअप होता है, फिर शादी हो जाती है। लेकिन ये जो स्टोरी है ना भाई साहब, ये बिल्कुल ही अलग हट कर यार भाई। मतलब मैं सच में सल्यूट करना चाहता हूँ भाई, जो डायरेक्टर है ना भाई यार, कसम से माँ कसम बता रहा हूँ, मतलब कहाँ से यार इतना अच्छा आइडिया लेके आया भाई। मेरे तो दिमाग खुल गया यार। मतलब मैं जब बैठा ना यार हॉल में देखने के लिए, तो सच में यार मतलब किसी और को आसपास देख ही नहीं पाया, बस स्क्रीन पर, बस जो कास्ट है और जो स्टोरी चल रही है ना भाई, बस उसी पे नजर डालता गया भाई। तो चलो फटाफट से बताता हूँ कि एक्चुअली में स्टोरी क्या है, ठीक। थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता हूँ ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में इस मूवी के बारे में आपको क्या जानना जरूरी है। तो भाई देखो, स्टोरी स्टार्ट होती है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर दिखाया जाता है। बहुत सारी मूवी में वॉर दिखाया जाता है तो सीरियसनेस होता है, लेकिन इस मूवी में एक्चुअली में दिखाया गया कि वॉर के दरमियान एक जो सोल्जर होता है उसके अंदर यानी दिल में जो प्यार का सिलसिला होता है ना, एक्चुअली में प्यार किसको बोलते हैं और जो सच्चा प्यार जो बोलते हैं ना भाई साहब। तो जाके भाई तुम ये मूवी देखो, तब तुमको पता चले कि एक्चुअली में सच्चा प्यार किसको बोलते हैं भाई। मतलब इस मूवी में ना, मतलब इतना बता दूं, एक किस तक नहीं दिखाया गया, मतलब कोई गलत चीज नहीं दिखाया गया, लेकिन प्यार को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया यार। देख कर ना दिल खुश हो गया। तो स्टोरी स्टार्ट होती है भाई, यहाँ पर एक लड़की रहती है जिसका नाम है रमिष्का, आपको पता होगा। उसे एक लेटर मिलता है और वो लेटर उसको सीता को सबमिट करना रहता है, मतलब सीता के पास पहुंचाना रहता है। वो उसके दादा जो थे वो मतलब पाकिस्तानी आर्मी थे, उनका वो सपना था कि ये लेटर सीता तक पहुंचाया जाए, ठीक है। अब ये जो सीता यहाँ पर जो रहती है ना भाई, मुन्नल ठाकुर रहती है, ठीक है। तो अब स्टोरी क्या आती है कि ये जो रमिष्का रहती है, इस लेटर को पहुंचाने के लिए अब उसे पता लगा पड़ता है कि एक्चुअली में सीता कौन है, और सीता के बाद आप तुमको ये पता लगा था कि सीता को इस लेटर लिखा कौन था। तो सीता को लेटर लिखा था राम ने भाई साहब, सलमान ने। तो भाई अब रमिष्का को ये पूरा पता लगाना रहता है कि एक्चुअली में जो राम की स्टोरी है क्या है, उसके बाद से यहाँ पर जो सीता की स्टोरी है क्या है भाई साहब। मतलब दिमाग हिला के रख दिया यार, जो स्टोरी दिखाई ना भाई, मतलब एक जगह देखो, मूवी तो 2 घंटा 40 मिनट की मूवी है, लेकिन 1 मिनट के लिए भी ना भाई आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई आप स्टोरी मूवी जो स्टोरी से हट गई है या इधर उधर ये कर रही है, कोई जगह आपको बोरिंग नहीं लगेगा। उसके बाद से ये जो रमिष्का रहती है, ठीक है, उसका नाम आफरीन रहता है इस मूवी में। अब वो बहुत सारे मतलब इतिहास को उठा के देखती है, जैसे राम 20 साल पहले का ये जो लेटर लिखा गया था, वो आर्मी में कॉन्टेक्ट करती है कि एक्चुअली में राम की कहानी क्या है भाई। तो भाई तुमको ना एक चीज बता रहा हूँ, जब मूवी देखोगे ना तो इंटरवल से पहले तुमको ना एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। देखो इस मूवी में क्या क्या मैं तुमको बता, सबसे पहले तो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर होता है उसका बीच दिखाया गया, तो उसके पास एक बेहतरीन किस्म का लव स्टोरी दिखाया गया। उसके बाद से इस पर सस्पेंस भी दिखाया गया है, जो धीरे धीरे करके ना तुमको पता चलेगा तो सच में शॉक्ड हो जाएगा। तुम जितने भी मूवी लव और जितना भी तुमको प्रिडिक्ट करना आता हो कि एक्चुअली में आगे क्या होने, लेकिन इस मूवी में तुम बता नहीं सकते कि एक्चुअली में आगे यार क्लाइमेक्स क्या होने वाला। छोड़ो दुख, इंटरवल से पहले एक जो शॉक लगेगा, उसके बाद से जैसे इंटरवल खत्म होता है, इंटरवल के बाद जैसे स्टार्ट होता है ना, वहां पर तुमको एक बड़ा सा झटका लगेगा भाई। और जो इंटरवल जिस तरीका से मतलब इन्होंने फिनिश किया ना भाई, माँ कसम बोला यार, दिल जीते। मतलब हर एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसमें सॉन्ग भी 2-3 है जो आपको बोरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि सॉन्ग में जो स्क्रीन प्ले चलता है ना, काफी अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं, और हम लोग को काफी ज्यादा कश्मीर की जो है ना बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत नजारे भी देखने को मिले भाई। तो सच बता रहा हूँ, जिस डायरेक्टर ने भी भाई इस कास्ट को सिलेक्ट किया ना भाई, परफेक्ट सिलेक्ट किया भाई। जो मुन्नल ठाकुर है ना भाई, कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है ना भाई, तुमको क्या ही बताऊं। मतलब देखो उन्होंने तो रोल किया है एक राजकुमारी का भाई, और वो पक्का मतलब 100% ये जो रोल है ना उन पे सूट करता है। उसके बाद से यहाँ जो राम का रोल किया है ना भाई, यहाँ पर सलमान भाई ने भाई कसम से बता रहा हूँ, सच में ये जोड़ी परफेक्ट जोड़ी है। और राम भाई के बारे में क्या बताऊँ, मतलब सलमान भाई के बारे में, वो जो जो मूवी करते हैं ना, मतलब जितनी भी पास्ट मूवी देख लो, हर मूवी में वो अपना ट्राई करते हैं कि एक नई स्टोरी बिल्ड करने का, ताकि ऑडियंस को अच्छा लगे भाई। सच में भाई मैं पर्सनली तुमको बता रहा हूँ कि जो मूवी देखा ना भाई, मेरे को लगा नहीं कि मैंने 3 घंटा वेस्ट किया।
मतलब एक एक मूवी देखोगे ना यार, मतलब कितने बॉलीवुड वाले बड़े बड़े स्टार इतने सारे पैसे लगाकर रीमेक रीमेक रीमेक, अबे यार चूतिया क्यों काट रहे हो भाई? ये सब देखो, छोटे छोटे जो स्टार है ना भाई, यही इंडिया के फ्यूचर है भाई, सच बता रहा हूँ। तो इनको आप लोग चांस दो, इनके अंदर वो चीज़ है जो ऑडियंस को आज की चाहिए भाई। देखो आज का जो बॉलीवुड का अगर लव स्टोरी का कोई भी मूवी आता है तो ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि ये पता है यार कि ये तो लव स्टोरी है, वही चुम्मा चाटी होगा, ब्रेकअप होगा, शादी होगा, दूसरे दिन खत्म हो। लेकिन भाई साहब इस मूवी को जो ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया ना भाई, लाजवाब, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीका से राइटर ने जो ना लिखा, A to Z लिखा भाई। तो भाई फाइनली एक लाइन में बताऊंगा भाई, मतलब आज तक की मेरी सबसे अच्छी मूवी थी, लव स्टोरी बोलो, सस्पेंस बोलो, उसके बाद से एक्शन बोलो भाई, मां कसम भाई जवाब ही नहीं भाई, बता रहा हूँ सच में। तो फाइनली आप भी जाके ये मूवी देखो। ये मूवी तो बहुत पहले अगस्त में आ गई थी, 5 अगस्त को तेलुगु लैंग्वेज में, लेकिन इसको हिंदी में भी डब करके, इतना ज़्यादा ये हिट हो गया तेलुगु में, इसको हिंदी में भी डब करके ला लेके आए गए हैं। तो आप लोग भी देखो और कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे हिसाब से अगर 100 बंदा मूवी देखने जाता है ना, तो 100 में से 100 को ही मूवी अच्छी लगी, और आप कोई एक पॉइंट भी नहीं निकाल सकते कि हाँ ये मूवी खराब है, अच्छी नहीं है भाई। तो मेरे तरफ से भाई 5 में 5 स्टार है भाई, एक भी स्टार कटेगा नहीं। हाँ थोड़ा सा 3 घंटा का है, लेकिन आपको जो फर्स्ट हाफ है थोड़ा सा आपको स्लो लगेगा, क्योंकि जो ज्वाइनिंग करता है ना मूवी की, जो कहानी बिल्ड होती है थोड़ा सा उसमें स्लो है, लेकिन जैसे ही हाफ आवर जाएगा, मतलब उसके बाद से कहानी जो है ना स्टार्ट हो जाएगी, आपको इंगेज करना, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जो कनेक्शन क्या, रमिष्का का कनेक्शन क्या है, उसके बाद से जो महारानी सीता रहती है और राम का, ये तीनों की एक्चुअली में स्टोरी क्या, और राम और सीता क्या लास्ट में मिलते हैं या नहीं मिलते, ये चीज़ आपको जरूर देखनी चाहिए। और पक्का बता रहा हूँ, हॉल से आप रो के लिख लोगे भाई। तो आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।